सो ये कुछ मंथ्स पहले की बात है, जब मैं अपनी बहन के घर थी तो मैं डिशेस वॉश कर रही थी एंड मैंने एक्सीडेंटली उसका फेवरेट कॉफ़ी मग तोड़ दिया। एंड जब मैंने कन्फ्रंट किया उसे कि मैंने गलती से तेरा कॉफ़ी मग तोड़ दिया है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो मुझे मिला दैट वॉज ओ, एंड शी टुक अ पोज फॉर लाइक 5 to 10 seconds एंड देन शी वॉज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, गलती से टूटा है ना, इट्स फाइन। अब मैं इस इंसिडेंट से क्या बताना चाहती हूँ कि उसे पता था कि मेरी इंटेंशंस उसका फेवरेट कॉफ़ी मग तोड़ने की नहीं थी, मैं सिर्फ डिशेस वॉश कर रही थी एंड इट हैपन्ड, सो शी न्यू माई इंटेंशंस। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट इंटेंशंस मैटर और डू दे, वी विल फाइंड आउट इन दिस चाय टॉक वीडियो टुडे। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मदर्स डे की वीडियो को प्रमोट करना चाहूँगी। अगर आपने मेरी मदर्स डे की वीडियो अभी तक नहीं देखी है विद माय मॉम, तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा इस वीडियो के बाद। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड ऊपर आई बटन में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। डू वॉच दैट वीडियो, इट इज़ गोइंग क्रेजी सीरियसली, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड एवरी वन इज़ अप्रिशिएटिंग दैट वीडियो। सो या डू वॉच दैट वीडियो टू आफ्टर दिस वीडियो। एंड नाउ आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू इंटेंशंस। इंटेंशंस मैटर करती हैं या नहीं करती हैं, हम आज की वीडियो में पता करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो विद, एज यू ऑल नो, विद अ कप ऑफ कर्मा गरम चाय जो कि हमेशा ठंडी हो जाती है। बट एनीवेज, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोग इंटेंशंस की केयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ केयर करते हैं तो एक्शंस की केयर करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इंटेंशंस देखते हैं सामने वाले की या फिर सिर्फ एक्शंस पर फोकस रखते हैं। एक्चुअली में हम इतना ज़्यादा यू नो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हम उसी चीज़ पर फटाफट से बिलीव कर लेते हैं। एंड कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप बीइंग जेलस, स्टॉप बीइंग सो पेटी एंड सो नाइव, कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर सामने वाले को यू नो जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड इवन बुली भी कर रहे हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर ट्राइंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एंड आई नो आप में से बहुत लोगों को ये पॉइंट मेरा क्लीशे लग रहा होगा, बट इट इज़ ट्रू। एक बार सोच कर देखिए कि अगर आप कभी किसी के साथ जैसा बिहेव करते हैं या बोलते हैं या यू नो सार्केस्टिक होते हैं या रूड होते हैं, वैसे ही अगर आपके साथ कोई होकर देखे या हो तो कैसा फील होगा आपको, कैसा, जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड ऑन द अदर हैंड आई नो दैट पीपल आर हर्टिंग, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है बहुत से लोगों को, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशली, सोशली, जो मर्जी कह लें हम। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द थियोरी बिहाइंड द इंटेंशंस। अगर हम इंटेंशंस की थ्योरी को समझ लेंगे, अगर हम इंटेंशंस को डीपली समझ लेंगे, तो जो हमारी लाइफ में पीस मिसिंग है, जो हमारी लाइफ में कामनेस मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। एंड आई थिंक वही चाहिए हमें अपनी लाइफ में। एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमें इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली हमारे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें फैला देते हैं या बोलते हैं बिना हमारे साइड की स्टोरी जाने हुए। हम बहुत ज़्यादा यू नो उनकी तरफ भी बिटरनेस शो करते हैं। हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है आपके साथ तो वो उसके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उसके हिडन इश्यूज़ हैं जो शायद उस इंसान को भी नहीं पता है। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट दैट पर्सन हेयर। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है या आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए या बिल्कुल भी अपने आप को बुरा मत लगवाओ। नहीं, बुरा लगेगा आपको, इनिशियली आपको बुरा लगेगा। अगर आपको इंटेंशंस के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और बुरा लगता ही जाएगा। आप
लेट इट गो नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको इंटेंशंस के बारे में पता लग जाएगा, तो अगर सामने वाले ने आपसे रूडली बात करी या बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वे में बात करी, तो आपको कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा, कुछ सेकंड्स के लिए बुरा लगेगा, बिकॉज वो इंटेंशन से रिलेटेड वाली थ्योरी आपको दिमाग में आ जाएगी, तो आप लेट गो कर दोगे उस चीज़ को। एंड यही मैं आज की वीडियो के थ्रू एक काइंड ऑफ मैसेज आप समझ लीजिए देना चाहती हूँ कि एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग आप तभी बन सकते हो, आपकी लाइफ में तभी आ सकती हैं ये सारी चीज़ें, जब आपको सामने वाले के इंटेंशंस के बारे में पता होगा। बिकॉज वी नेवर नो कोई अपनी पर्सनल लाइफ में किस वे से गुजर रहा है, किस लिए क्या पॉइंट चल रहा है उसकी लाइफ में, किस फेज में है वो, वी नेवर नो। एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा, सामने वाले को भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा अगर हम इंटेंशन से रिलेटेड समझ जाएं, तो आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ज़रूर हम डिफरेंस कर सकते हैं। और ये डिफरेंस आप शायद किसी और की ज़िंदगी में नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में करोगे। बिकॉज आप जब हर चीज़ पर, हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को होल्ड करके रखते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना पीस गवा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपना स्टेट ऑफ माइंड ख़राब कर रहे हो। अगर आप इंटेंशंस के बारे में समझ जाओगे, तो आप वो सब कुछ नहीं करोगे। एंड अगेन, एज आई सेड अर्लियर, आपकी लाइफ में पीस और कामनेस अपने आप आ जाएगी। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि किसी ने मग जान मूझ कर तोड़ा है, या किसी से गलती से वो मग टूट गया है। अगर ये दोनों डिफरेंस हमें क्लियर होंगे एंड ये दोनों के बारे में हमें पता होगा, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट कर पाएंगे, एंड तभी हम उसके अकॉर्डिंगली सामने वाले एंड अपने लिए सही पीस ऑफ माइंड बना पाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई जस्ट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि इंटेंशंस के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ जैसे जिसने रिएक्ट किया, जैसे जिसने हमें बोला, हम एकदम से ही अपना रिएक्शन दे देते हैं। सो आई थिंक वी शुड टेक सम टाइम बिफोर रिएक्टिंग, एंड देन वी शुड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। एंड या मैं इंटेंशन से रिलेटेड यही सब चीज़ें आपको आज की वीडियो के चाय टॉक के थ्रू बताना चाहती थी। एंड आई वुड लव टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंटेंशन से रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप इंटेंशन से रिलेटेड क्या सोचते हैं, या आपने कभी सोचा भी है इंटेंशन के बारे में या नहीं, या इस वीडियो के बाद ही आप थोड़ा सा थिंक करने लगे हैं अबाउट इंटेंशंस। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन अदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन यू नो व्हाट टू डू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।